जो है ऐश्वर्या राय कह सकते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं उनकी मदद करती हुई नजर आ रही हैं, यूं कहें कि उनको समर्थन देते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि कई बार जो है खामोशी भी एक बहुत बड़ा जवाब होता है। और जिस तरीके से आपने उनके पिता चंद्रिका राय का जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनका कह सकते हैं वो नेता है और वो दूसरी पार्टी से, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विरोध में ही चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या राय की बात करें तो ये उनका खामोशी और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी खामोशी और ऐश्वर्या राय का बीजेपी पर ना कुछ भी बोलना, उनके समर्थन में ना बोलना, उनके पिता चंद्रिका राय का जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनका कह सकते हैं वो नेता है और वो दूसरी पार्टी से, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विरोध में ही चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या राय की बात करें तो ये उनका खामोशी और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी खामोशी और ऐश्वर्या राय का बीजेपी पर ना कुछ भी बोलना, उनके समर्थन में ना बोलना, या फिर जो है खुले तौर पर जो है उनकी रोहिणी आचार्य, जो उनकी कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी है और उनकी नदद हुआ करती थी, उनके समर्थन में ना बोलना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक जिस तरीके से परिवार में उनके अंतरकला थी उसको भी कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव प्रताप रूड़ी को टकराव में उतारा गया है। लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सारण की जनता ही उन्हें पसंद करती हुई नजर नहीं आ रही है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहां पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ उतरकर यहां पर राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में उतर जाए, लेकिन रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं अपने पिता और अपने भाई के बलबूते पर सारण में वो सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है, जो राजीव प्रताप रूड़ी ने नहीं की है। लेकिन जहां राजीव प्रताप रूड़ी की स्थिति कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी के नेता चंद्रिका राय और तेज प्रताप यादव के ससुर रहे, वो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी मीसा भारती को भी घेरते हुए नजर आए। दोनों ही बेटियों के खिलाफ कई बड़ा बयान देते हुए भी दिखाई दिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी दोनों बेटियों को ही चुनाव में उतार दिया है और वो अपनी दोनों बेटियों को उतार दें या पूरे परिवार को उतार दें, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और बेटियों के खिलाफ उतरते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि ये जो बेटियां उतरी हैं वो खुद ही यहाँ पर सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तमाम आरोप चंद्रिका राय ने लगाए। चंद्रिका राय जो जेडीयू पार्टी के नेता हैं, पहले वो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे और ऐसे में तेज प्रताप यादव के ससुर थे। ऐश्वर्या राय की बात करें, तेज प्रताप यादव से शादी हुई थी और शादी में कुछ कलह के बाद उनका तलाक हो गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेशक पिता खिलाफ में उतरते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन बेटी खिलाफ में नहीं नजर आ रहे, क्योंकि कोई भी बयान ना तो चंद्रिका राय के समर्थन में देखे जा रहे हैं ऐश्वर्या राय के, ना ही वो कुछ और यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, जैसे कि देखा जाए जो पिता हैं ऐश्वर्या राय के और जो ससुर रहे हैं तेज प्रताप यादव के,
वो रोहिणी आचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं और राजीव प्रताप रूड़ी की जीत का दावा कर रहे हैं सारण लोकसभा सीट पर। लेकिन अगर उनकी बेटी की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आ रही हैं, जेडीयू पार्टी के समर्थन में नहीं आ रही हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अंदरूनी तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने नंदों का समर्थन करती हुई देखी जा रही हैं? जी देखिए, ऐश्वर्या राय की खामोशी के कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तरफ जिस तरीके से लालू परिवार का एक वक्त में वो हिस्सा हुआ करती थी, इसी को अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर वो बोलेंगी तो जो मैटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और शायद जो कह सकते हैं एक अंतरकला है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ इसके यह भी मायने हो सकते हैं कि क्या जो है ऐश्वर्या राय कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं उनकी मदद करती हुई नजर आ रही है, यूं कहें कि उनको समर्थन देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कई बार जो है खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब होता है। और जिस तरीके से आपने उनके पिता चंद्रिका राय का जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनका कह सकते हैं वो नेता है और वो दूसरी पार्टी से, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विरोध में ही चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या राय की बात करें तो ये उनका खामोशी और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी खामोशी और ऐश्वर्या राय का बीजेपी पर ना कुछ भी बोलना, उनके समर्थन में ना बोलना, या फिर जो है खुले तौर पर जो है उनकी रोहिणी आचार्य जो उनकी कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी है और उनकी नदद हुआ करती थी, उनके समर्थन में ना बोलना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक जिस तरीके से परिवार में उनके अंतरकला थी उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर देखते हुए किसी भी शब्दों का वो इस्तेमाल करती हुई नजर नहीं आ सकती है। दूसरी तरफ इसके ये भी मायने हो सकते हैं कि क्या जो ऐश्वर्या राय है वो अपनी ननद को जो है अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें राजीव प्रताप रूड़ी कहीं ना कहीं फंसते हुए सारण में नजर आ रहे हैं। बाबलोर में आप गांव में रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, किस दिन चाय पी लें? हम गांव में रहते हैं, आपके गांव में गैस पाइपलाइन पहुंच रहा है कि नहीं? गैस पाइपलाइन तो अपने पहुंच रहा है, मेहनत करने पर पहुंचता है बाबू। बिजली 24 घंटा एसी चला के रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? वो ऐसा ही होता है, मूलभूत तो कभी नहीं रहा, ना आपके गाँव में रोड था कभी, बताइए बात, ना आपके गाँव में बिजली था, ना आपके गाँव में गैस था, कह रहे हैं कि भेंट कब होगा? आइए तो ऐसे नहीं होता है, अच्छा भेंट होता है काम से करना, लेकिन पड़ेगा नहीं, हम तो नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मत आइए। अब इन तमाम मुद्दों के जरिए तो यही कहा जा रहा है कि बेशक चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में आ जाएं, बेशक वो रोहिणी आचार्य के खिलाफ बोलते हुए नजर आएं, लेकिन सारण की जनता यहां पर सब कुछ जान चुकी है और वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि वाकई यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पार्टी की दाल नहीं गल पाएगी। यहां पर बदलाव की स्थिति जरूर लाना चाहिए और उसी बदलाव के साथ रोहिणी आचार्य का समर्थन करती हुई जनता नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जीत किसकी यहां पर होती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।